नमस्कार। और आज के इस लेक्चर का पहला टॉपिक हमारा है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बताइए स्क्रिप्ट क्या होती है। बताइए, स्क्रिप्ट आपने सुना होगा कि कोई पिक्चर होती है, हीरो को क्या मिलता है, स्क्रिप्ट मिलता है, तो उसको पढ़ लेता है और उसी हिसाब से वो एक्टिंग करता है। ऐसे ही जब वेब पेज बनाते हैं तो उसको हम क्या देते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज देते हैं, और वो जो वेबसाइट है वो उसी हिसाब से जब रन होती है तो काम करती है। समझ में आई नहीं? वेबसाइट को हमने बता दिए भाई ये तुम्हारी स्क्रिप्ट है, ऐसे ऐसे काम करना है, और ऐसे ऐसे ही ये काम करती है, और जो चीज़ बताती है कैसे काम करना है उस चीज़ को हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। यहाँ पर पढ़िए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज यूज टू राइट स्क्रिप्ट्स। इट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ कमांड्स। इसमें सीरीज ऑफ कमांड्स होते हैं जो बताते हैं किस तरीके से काम करना है, जो कि इंटरप्रेट किए जाते हैं रन टाइम पर जो इंटरप्रेट किए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर कहा गया है अनलाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट आर कंपाइल्ड फर्स्ट बिफोर रनिंग। मतलब यहाँ पर जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो पहले कंपाइल होती हैं फिर रन होती हैं, लेकिन ये रन टाइम पर ही इंटरप्रेट की जाती हैं। मतलब जिस टाइम रन होता है उसी टाइम इंटरप्रेट होता है। स्क्रिप्ट्स आर जनरली एसोसिएटेड विथ वेब डेवलपमेंट वेयर दे आर वाइडली यूज टू मेक डायनामिक वेब पेज एप्लीकेशन डायनामिक वेब एप्लीकेशन। अब डायनामिक क्या होता है ये पिछले लेक्चर में हमने अच्छे से समझा था, ठीक। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी भाई दो टाइप की होती हैं। दो टाइप क्या हैं? अब दो टाइप, एक पहला तो होता है आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या चीज? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब ये चीज हमने पढ़ा था ना, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। क्लाइंट क्या होता है? जिस कंप्यूटर से रिक्वेस्ट की जा रही, जैसे ये लैपटॉप मेरे सामने रखा है तो ये क्लाइंट है, और जहां से इसमें जानकारी मैं इंटरनेट से ले रहा हूँ वो सर्वर है। तो ऐसी कोई भी स्क्रिप्ट जो यहाँ पर रन हो रही है, ब्राउजर के पास जब काम हो रहा है, वो सारी चीजें क्या होती हैं आपकी? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं। पता नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं कुछ आपको अलग से यहाँ पर फिगर बनाकर पढ़ा दूं। चलिए पढ़ाता ही हूँ। देखो बच्चा, इसको बहुत ध्यान से समझना। चलो देखो, हम बनाते हैं आपके लिए काम। देखो, एक कंप्यूटर ये हो गया, ठीक। अब इसको जो समझ लेगा उसको पूरा इंटरनेट आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब इस पे मैं बैठा हूं, मान लो, या आप बैठे हो और इसको चला रहे हो, ठीक। ये हो गया कौन? ये आप हो गए, ठीक। अब यहां पर समझिए, आप इस कंप्यूटर को चला रहे हो, तो आप कौन हो? यूजर हो। मैं यू लिख दे रहा हूँ, यूजर, समझ रहे हैं, ठीक। अब इस कंप्यूटर में कोई जानकारी खुद की नहीं है, ये इंटरनेट से जानकारी ले रहा है। तो कहीं दूर आपका एक कंप्यूटर और है जहां पर खूब सारी जानकारी है, ठीक है। अब ये सरकारी रिजल्ट हो सकता है, गूगल हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसमें खूब सारी जानकारी है। तो ये कंप्यूटर बार बार मांगता है, भैया ये वाला डेटा हमें दे दो। फिर कहता है, भैया ये वाला डेटा हमें दे दो। और जब इससे डेटा मांगता है, ये बहुत दानी टाइप का आदमी है, ये कहता है, लो भाई ये डेटा तुम ले लो। फिर इससे मांगा तो इसने कहा, फिर से मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, फिर इसने कहा, लो भाई ये डेटा ले लो वापस तुम अपना, मतलब अपना डेटा वापस नहीं, तुम जो डेटा मांग रहे थे वो ले लो। तो जो कंप्यूटर बार बार डेटा मांग रहा है वो होता है क्लाइंट, ठीक। और जो कंप्यूटर बार बार डेटा दे रहा है, रिक्वेस्ट को पूरा कर रहा है, वो क्या होता है? सर्वर। सर इसमें कौन सी नई बात बता दी है? कोई नई बात नहीं है, बस ये चीज दिमाग में एकदम से बैठा लो। अब क्लाइंट कंप्यूटर ऐसा तो है नहीं, खुद से डेटा मांग लेता है। आप जैसे मोबाइल चलाते हो, मोबाइल में कैसे इंटरनेट चलाते हो? पहले क्रोम खोलते हो, या गूगल क्रोम खोला, नहीं तो कंप्यूटर में मोजिला फायरफॉक्स खोला, यूसी ब्राउजर खोला, या कुछ ना कुछ ऐसा ऐप खोलते हो। इस चीज को कहते हैं ब्राउजर। क्या नाम है इसका? ब्राउजर। और ये कहाँ रहता है? क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर रहता है। क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर क्या रहता है? ब्राउजर रहता है। मैं बी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हम माउस से टाइप करते हैं, तो मतलब माउस से डिजाइन बन रही है तो इतनी अच्छी बनेगी नहीं। तो ये हमारे क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर होता है। तो अब कोई कह रहा है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, तो बताओ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहाँ चलेगी? जाहिर सी बात है यहाँ पर चलेगी। और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहाँ चलेगी? यहाँ पर चलेगी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कोई बोल रहा है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, तो उसका सारा मामला यहीं पे होने वाला है, यहाँ पर, मतलब इस ब्राउजर के इर्द गिर्द घूमने वाला है। और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का सारा मामला सर्वर के पास, सर्वर के एंड पे इर्द गिर्द घूमने वाला है। ये एकदम से दिमाग में बैठा लो। चलो टॉपिक पे वापस चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में क्या लिखा हुआ है? वेब ब्राउजर एग्जीक्यूट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग।
वेब ब्राउजर क्या करता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग को एग्जीक्यूट करता है। अब ये क्यों करता है ये समझ में आ गया हो, क्योंकि वेब ब्राउजर क्लाइंट के ही पास तो होता है, क्लाइंट वेब ब्राउजर के थ्रू ही तो रिक्वेस्ट कर रहा है। आप मोबाइल में गूगल क्रोम खोल के ही तो ढूंढते हो कोई चीज ना, तो ये वेब ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होता है। ठीक, इसका कलर चेंज करते हैं। इट यूजेज व्हेन ब्राउजर हैज ऑल कोड, ब्राउजर के पास सारे कोड होते हैं और ये इसका इस्तेमाल करता है। सोर्स कोड यूज टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वेब ब्राउजर टू यूजर कंप्यूटर और इंटरनेट रन डायरेक्टली ऑन ब्राउजर। देखो सारी कहानी कहाँ पे घूम रही, ब्राउजर के ही पास सब कोड रन होगा और सब कुछ यहाँ पर होगा। इसको मन करे तो एक बार रीड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ हम देते हैं, बिल्कुल परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन कुल मिला धुला के सारा जोड़ आपको समझ में आ गया होगा। कोई बोले क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग तो आप उसको एक लाइन में इस तरीके से समझा सकते हो जैसा मैंने बताया। और इसका जस्ट अपोजिट अगर बात की जाए कि आपका ये क्या होता है, सॉरी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, तो वो भी आप देखिए एक बार। वेब सर्वर आर यूजुअली टू एग्जीक्यूट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। अब सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग है तो सर्वर, यहाँ पर देखिए सर्वर इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। दे आर बेसिकली यूज टू क्रिएट डायनामिक पेजेस, इसकी सहायता से डायनामिक पेजेस बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए इट कैन ऑल्सो एक्सेस द फाइल सिस्टम। अब सारे फाइल्स और ये सारी चीजें जो सिस्टम होते हैं वो सर्वर के ही पास होते हैं, तो ये इसको एक्सेस कर सकता है। सर्वर साइड इन्वायरमेंट दैट रन ऑन अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज वेब सर्वर। अब यहाँ पर कितनी भी चीजें आप पढ़ लें, घूम फिर के सारी चीजें आपको वही मिलेंगी कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का सारा मामला सर्वर से ही मिलता जुलता है, क्योंकि सर्वर साइड पे अगर कोई स्क्रिप्ट रन करानी है तो सर्वर पे ही उस चीज को रन कराएंगे, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फिर बात आती है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग की, कि रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग क्या होती है। अब वेब डिजाइनिंग तो हमें पता है, वेबसाइट पता है, स्टैटिक पता है, डायनेमिक पता है, लेकिन रिस्पॉन्सिव क्या होता है, तो इसके लिए आपको समझना होगा जो पहले वेबसाइट बनती थी वो एक साइज के पेजेस उसमें बनते थे। क्यों एक साइज के बनते थे, क्योंकि सारी वेबसाइट तो लैपटॉप में नहीं चलती थी ना, तब लैपटॉप मोबाइल टैब ऐसी चीजें नहीं थी, कंप्यूटर ही था, सारी वेबसाइट कंप्यूटर में ही चल रही थी, तो हर वेबसाइट का जो रिजोल्यूशन है वो बराबर होता था। कोई ऐसा नहीं था कि कोई इतनी बड़ी स्क्रीन पे चला रहा है, कोई इतनी बड़ी स्क्रीन पे चला रहा है, तो पहले जो वेबसाइट बनती थी वो रिस्पॉन्सिव नहीं रहती थी। लेकिन अब की जो वेबसाइट बनती है, जैसे google.com है, या आप YouTube चला रहे हो तो वो चाहो तो 56 इंच की टीवी पे चलाओ तो भी चल जा रही है, या आप लैपटॉप में चला रहे हो तो भी, कंप्यूटर में तो भी, मोबाइल में तो भी, टैबलेट में तो भी, तो ऐसी वेबसाइट अब बन रही है जो स्क्रीन के हिसाब से, जगह के हिसाब से, ब्राउजर के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। देखिए रिस्पॉन्स देने वाली वेबसाइट, जगह के हिसाब से खुद को बदल लेने वाली वेबसाइट की, आप मोबाइल पे चला रहे हो तो वही वेबसाइट दूसरे तरीके से खुलेगी, अगर उसी वेबसाइट को लैपटॉप पे चलाओगे तो दूसरे तरीके से चलेगी, और उसी वेबसाइट को यूट्यूब को ही आप चला के देख लीजिए, टीवी पे चलाओगे तो दूसरी तरीके से चलेगी। और ये फीचर जो खुद को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से चला ले जाना, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहलाया जाता है। पहले ऐसे नहीं चलता था, क्योंकि पहले ज़रूरत ही नहीं थी, सब एक ही फिक्स साइज की कंप्यूटर आते थे उसी पे चलता था। लेकिन जब से आपके इंटरनेट इतना वास्ट हुआ तो इस चीज़ की ज़रूरत बन गई। अब पूछा जा रहा है कि भाई वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाओगे, तो उसकी चर्चा आगे की गई है कि वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना हो तो हमें क्या क्या करना होता है। यहाँ पे देखिए फ्लेक्सिबल लेआउट, मतलब वेबसाइट का जो लेआउट है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जगह के हिसाब से, साइज के हिसाब से खुद को बदल लेना चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखिए यूजिंग अ फ्लेक्सिबल ग्रिड टू क्रिएट अ वेबसाइट लेआउट दैट विल डायनेमिकली रिसाइज टू एनी विड्थ, किसी भी विड्थ में डायनेमिकली, मतलब अपने आप से खुद को ढाल ले। मीडिया क्वेरीज, एन एक्सटेंशन टू मीडिया टाइप व्हेन टारगेटिंग एंड इंक्लूडिंग स्टाइल मीडिया क्वेरीज अलाउज डिजाइनर टू स्पेसिफाई डिफरेंट स्टाइल फॉर स्पेसिफिक ब्राउजर एंड डिवाइस सर्कमस्टांसेस, मतलब अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से मीडिया क्वेरी भी आपको डालनी होगी। फ्लेक्सिबल मीडिया, जो मीडिया आप डालेंगे, इमेज, वीडियो, अदर फॉर्मेट, जितनी भी चीज़ें आप डालेंगे वो वहाँ पर साइज अपने हिसाब से चेंज कर लें, जगह के हिसाब से चेंज कर लें। वैसे जो पहला पॉइंट समझ गया होगा कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मेन काम क्या है, वो समझ जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। इसमें जितनी भी चीज़ें यूज करेंगे वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खुद को ढाल सके, ऐसा ही आपको करना होगा। अब ये किस तरीके से काम करती है इसकी चर्चा हम अभी नहीं कर रहे हैं। एक छोटा सा यहाँ पर देखिए पॉइंट हमने लिखा है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन वर्क थ्रू सीएसएस,
यूजिंग वेरियस सेटिंग टू सेव डिफरेंट स्टाइल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन स्क्रीन साइज। CSS की सहायता से इसको बनाया जाता है और कई सारी सेटिंग हम करते हैं जो स्क्रीन साइज, ओरिएंटेशन, रिजोल्यूशन, कलर कैपेसिटी के हिसाब से खुद को वेबसाइट ढाल सकती है। ठीक, अब यहां पर आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला पॉइंट देखते हैं। तो यहां पर पूछा गया है बेनिफिट्स ऑफ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। आप बताइए बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट इतना ही है कि इतनी बड़ी स्क्रीन से लेके इतनी बड़ी स्क्रीन में चाहे जहां पे कैसे भी रिजोल्यूशन, कैसे भी सिस्टम के साथ आप वेबसाइट को चलाएंगे तो वो वेबसाइट रन करेगी। ऑप्टिमल डिजाइन फॉर द वेबसाइट, नो नीड फॉर रिडायरेक्शन। ये दो पॉइंट और है, इसको कवर करते हैं यहाँ पर। विद द रिस्पॉन्सिव वेबसाइट अप्रोच ऑल द इमेज, फॉन्ट एंड अदर एचटीएमएल एलिमेंट विल बी स्केल्ड अप्रोप्रिएटली मैक्सिमाइजिंग वॉट एवर स्क्रीन साइज द यूजर हैज। अब इसी चीज की चर्चा शुरू से हम लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पर रिडायरेक्ट होने की भी कोई जरूरत नहीं होती है। कुल मिलाकर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट सिर्फ इतना सा काम है कि जगह के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। तो ये आपका पहला चैप्टर था और इसके सारे पॉइंट्स थे जो हमने कुल मिलाकर कवर किए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिलती है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।